वेलकम टू अनदर वीडियो। नाज़रीन, खेल कूद इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है जितनी हाँ जी मेरे साहब कि चाट मसाला नहीं यार मुकया, चाट मसाला गरम मसाला भी मुकया। और यार मुकया भाभी नू की पुछला, 1.5 महीना हो गया किचन मैं संभालदा पिया, भाभी नू की पता एवी है नहीं यार। सॉरी जी। तो नाज़रीन, खेल कूद इंसान के लिए इतनी ज़रूरी है जितनी कि चाट के लिए चाट मसाला और आलू गोश्त के लिए कसूरी मेथी। और यार मैं ये किस तरह के मसाले दे रहा हूँ आजकल, कसम से दिमाग घुमा हुआ है। एनीवे, खेल कूद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है, आप उसको अपने आजकल के हालात के मुताबिक एडजस्ट कर लें कि आपके लिए कितनी ज़रूरी है। और क्योंकि खेल कूद ना सिर्फ जिस्म को तवाना और तंदुरुस्त रखती है बल्कि आपको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग करती है। जिस तरह मैं आपको ये एग्जाम्पल दे सकता हूँ कि मैंने क्रिकेट के ग्राउंड में रह के अपनी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ सीखा है। मिसाल के तौर पर जीत के लिए लड़ना सीखा है, और अगर जीत ना मिली तो हार कर हार को बर्दाश्त करना सीखा है, और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करते हुए ओपोनेंट को मुबारक भी दिया है जब वो जीता है। ठीक है, क्रिकेट आपको असूलों का एक दायरा देती है, उस दायरे के अंदर रहकर आप खेलोगे तो कामयाब हो। लेक्चर बहुत हो गया, मैं ज़रा किचन में चेक कर लूँ कि शाम को इफ्तारी के लिए क्या क्या चाहिए, वो बाजार से लेके भी आना है। आप ज़रा मेरी 3-4 शॉटें चेक करें। Come, we need to go to get some stuff from the shop. तो ज़रूरी नहीं है कि आपने क्रिकेट ही खेलनी है, आप कोई भी गेम कर लें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जिस तरह के मेरी फेवरेट हस्ती हैं मोहम्मद अली द ग्रेट बॉक्सर। मोहम्मद अली ना सिर्फ बॉक्सर बहुत अच्छे थे, वो उन अजीम शख्सियात में से एक शख्स हैं कि जो इतने अरूज पे जाने के बावजूद ये बात कभी नहीं भूले थे कि वो एक मुसलमान भी हैं। व्हाट यू कुकिंग? नमक मंदे। ओह, डिड यू मेक स्कॉन्स एज़ वेल? We'll be right back.
तो ये है मेरी छोटी सी फैमिली का छोटा सा दस्तरखान आज की इफ्तारी के लिए। एक कप चाय के साथ करते हैं आज की वीडियो का इख्तिताम। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, खुशियां बांटिए और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए। हाँ जी ब्रो साहब, हांडी पका ली, कर लिए गल, भांडे लै गए, वो भांडे भी धो लेने से यार, मुड़ के आवाजा मारेगी बुढ़ी तेरी।